कभी तनाव में अच्छी तकरीर हो जाती है, इंतजाम अच्छा हुआ, जहां पानी की जरूरत नहीं थी वहां बादल खूब बरस रहा है, और जहां नन्हा लियसगर प्यासा था वहां बादल के जिगर में ताकत न थी। तवज्जो चाहूं, सवाल ये उठता है, गौर से सुनो, आज तकरीर सुन लो, उलमाए किराम की इस नुक्ते पर, मुफ्ती साहब, कि हर जंग लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। अगर समझ में आवेगा तो बोल लीजिए। हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है, जंग से पहले पानी पर कब्जा चाहता है, मैदान में पहुंचने से पहले मैदान पर कंट्रोल चाहता है, ऐलाने जंग से पहले इलाके पर तसल्लुत और कब्जा चाहता है। सुनिए हजरत, अब जिसको आना है आ गया, परेशान मत हुई। मसला ये खड़ा होता है मेरे मौला हुसैन, गौर से सुनो, सुनना है तो वरना घर जाओ। बात इस्लाम की थी, मसला नबी की शरीयत का था, बचाना काबे की अजमत थी, हिफाजत कुरान की हुर्मत करनी थी, वकार दाव पे लगा था मस्जिद नबवी का, तो पूरी दुनिया की जो मरकजे अकीदत है वो मक्का है, वो मक्का है, मक्का, वो मक्का, वो मक्का है, और पूरी दुनिया के ईमान वालों की जो मरकजे निजात है वो मेरे आका का मदीना है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। स्टेज वाले बोल दें, कौम बोल लेगी, अगर मुंह में पानो ना हो तो बोल सकते हैं, वरना कुर्ता खराब हो जाएगा। तवज्जो चाहूं, सवाल ये उठता है, मौला हुसैन बचाना काबा था तो मक्का क्यों नहीं, बचाना नबी का दीन था तो रसूलुल्लाह का मदीना क्यों नहीं, बचाना नबी की शरीयत थी तो मुस्तफा का शहर क्यों नहीं, बचाना इस्लाम का वकार था तो मैदान बद्र क्यों नहीं, खैबर की वादी क्यों नहीं, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं। तवज्जो चाहूं, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों, मुजदलफा क्यों नहीं, करबला क्यों, हुसैन बाबा का मैदान खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों। जवाब मिलेगा, नाना के गुलामों, हुसैन इक्तदार और हुकूमत के लिए नहीं करबला गया है, हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने करबला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 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 कुछ लोग तारीख पढ़े हो तो वो सुन लीजिए, हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने गया है, और जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। तवज्जो चाहूं, जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। मौला हुसैन पूरी दुनिया का ईमान वाला तवाफे काबा के लिए मक्का आवे, सारी कायनात के गमजदा जख्मों पे मरहम के लिए मुस्तफा के मदीना आवे,
और आप नाना का दीन बचाने के लिए मदीने से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से करबला जा रहे हैं। जवाब मिलेगा हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहा है, हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहा है, हुसैन जेदाल के लिए नहीं जा रहा है, हुसैन तो नाना के दीन की तहफ्फुज और मुस्तफा के दीन की इमारत की तामीर करने जा रहा है। और इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो, तो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत ना होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी, इसलिए कि करबला की मिट्टी का इंतखाब किसी मक्के वाले ने नहीं किया है, जिब्रील अमीन ने किया है। इको हटा दीजिए प्लीज, इको हटा दीजिए, एकदम प्लेन कर दीजिए ताकि मेरी बात समझ में आवे। बहुत अच्छा साउंड है। अब सवाल ये उठता है कि करबला की मिट्टी है कैसी। तब इसको समझना है तो पूरा मजमा एक बार या हुसैन कह ले। ये आधा नारा है मुफ्ती साहब, ये आधा नारा है। एक आदमी के माथे में दो आंखें हो तो हुस्न है, एक आंख हो तो ऐब है। एक इंसान के पास दो हाथ हो तो ये जरूरत भी है हुस्न भी है, और अगर एक हो तो ऐब है। जिस तरह एक आदमी की दो आंखें हुस्न है, उसी तरह मुस्तफा की के दीन की दो आंखें हैं। एक आंख का नाम हसन है, एक आंख का नाम हुसैन है। इसलिए सुन्नियों के मजमे में, सुन्नियों की आबादी में, सुन्नियों की महफिल में सिर्फ एक नारा नहीं लगता, जब लगता है तो दोनों लगता है। इसलिए दोनों नारा लगाओ। मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलेंगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलेंगे या हसन। तो हो जाए, हो जाए। अरे बोलो ना, तैयार हो तो दोनों हाथ उठा के मस्ती में रंग में आओ, भूल जाओ बारिश हुई है। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। अब इस नाम का, इस नाम की करामत देख, इस नाम की करामत देख, तवज्जो चाहूं हजरत, आंखों से देख लीजिए। आज भी मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका, मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका, कहां गए वो अकल के टुवरे जो मेरे हुसैन को सिर्फ करबला तक रखते। अमा मेरे हुसैन की हदें सरहदें करबला नहीं है। जहां जहां मुस्तफा वाले वालों की धड़कने बाकी हैं, वहां वहां तक मुस्तफा का मुल्क दिखाई दे रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप बोल लेंगे, वरना इन्ना लिल्ला पढ़ लेंगे। अच्छी तकरीर स्टेज ही हमसे करवाता है, वरना मुझे मालूम है कि किस मंडी में कौन सा माल निकालना चाहिए। मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। लेकिन आंखें खोल के देख, आंखें खोल के देख, मुल्क है मेरा भारत, वतन है मेरा हिंद, जाए पैदाइश है मेरा इंडिया,
हिंदुस्तान का कोई एक शहर बता दो, कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक गांव बता दो कि मुहर्रम का चांद निकल जाने के बाद गांव में हुसैन के नाम का झंडा नजर ना आ रहा हो। ये लहराते हुए गांव के हरे लाल झंडे बता रहे हैं, मुल्क चाहे जिसका हो गांव तो हुसैन वाले का ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आबादी चाहे जिसकी हो आशिक तो यहां हुसैन का ही रहता है। बेशक। तो मैं जहां से चला था वहीं आ जाऊं। हाँ। हजरत कोई बात हो गई? हाँ। अच्छा कोई तनाव नहीं ना है? नहीं। कोई टेंशन हो तो बताइएगा। जब टेंशन नहीं है तो मुस्कुराइए और अब तकरीर सुनिए। इमारत जितनी ऊंची हो जी, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो जी। बचाना है काबा, बचानी है नबी की शरीयत, तहफ्फुज है मुस्तफा का दीन, बचाना है मुस्तफा की सुन्नत, बचानी है कुरान की हुर्मत व अजमत। मैदान करबला है, मिट्टी करबला की है। अब इसको आपको समझाने के लिए एक छोटी सी 2 मिनट की बात कर दूं। एक बड़ी खूबसूरत जगह नदी के किनारे दिखी जहां पानी का धार चल रहा था, पानी का धार, चारों तरफ हरियाली है, सामने में पहाड़ है, चारों तरफ खामोशी का माहौल है, कोई गाड़ी गाड़ी घोड़ा पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल सब्जा शादाब, खूबसूरत प्लेस और खूबसूरत एरिया देखने के बाद मैंने कहा मुफ्ती सफीउल्ला साहब से, हजरत ये मंजर बड़ा खूबसूरत है, यहां 2-4-5 कट्ठा नहीं 2-4 बीघा जमीन खरीद कर एक खूबसूरत इदारा लाइब्रेरी बनाइए। इन्होंने गौर से देखा और देखकर मौलाना मकबूल से कहा, जी तो चाहता है कि यहां एक इदारा बने लेकिन मिट्टी की कोई गारंटी नहीं है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोल दीजिएगा, समझ में आवे तो बोलिए। मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। मैंने कहा मुफ्ती सफीउल्ला साहब, ये बुलंद पहाड़, ये सब्जाजार, ये नदी की धारे, ये रात की खामोशियों में पानी का शोर, ये चारों तरफ हरियाली, पंखा ना चले तब भी सर्दी का एहसास हो, क्लाइमेट भी अच्छा है, हरियाली भी बेहतर है, हुस्न भी इलाके का अनोखा है, बच्चों के जहन में बशाशत और कुशादगी रहेगी, जमीन ले लीजिए, इदारा बना दीजिए। बरजस्ते इन्होंने कहा, बलियाबी साहब जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन मिट्टी ठीक नहीं है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मिट्टी तो, इलाका तो बहुत अच्छा है मगर मिट्टी ठीक नहीं। मैंने कहा जो मिट्टी आपके दरवाजे की उसी कलर की मिट्टी यहां भी है, जिस रंग की मिट्टी आपके आंगन की उसी रंग की मिट्टी यहां की भी है, जिस रंग का पानी आपके कुएं का उसी रंग का पानी यहां की नदी का भी है, आखिर मिट्टी में कसूर क्या है? मौलाना मकबूल ने कहा, मिट्टी तो का रंग तो वही है, कलर तो वही है लेकिन जमीन दलदल है, जमीन दलदल है, जमीन दलदल है। इमारत की बुनियाद पड़ जाएगी, छत की कोई गारंटी ना होगी, पिलर गाड़ दिया जाएगा, कब नीचे खसक के चला जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं,
करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जिब्रील मिट्टी लाए थे नाना के पास। काश ये गुफ्तगू में कहीं और जिंदाबाद। नारे तकबीर, काश ये गुफ्तगू में नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तकरीर सुननी है तो आज सुन लो, तवज्जो चाहो। हुसैन जिब्रील मिट्टी लाए थे, जिब्रील मिट्टी लाए थे, वो इंजीनियर तो नहीं थे, वो फन्ने तामीरात के माहिर तो नहीं थे। जवाब देंगे फरिश्ता रब का है, मिट्टी जिब्रील उठाए हैं। फैसला तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। मेरे अजीज, मेरे अजीज, अब मैं आलम तसव्वुर में सोचते रहा, मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और हजरत किया होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं समझ सकता हूं कि रवायती गुफ्तगू सुनने के लोग आदि हैं, और रवायतों की रूह सुनने के आदि नहीं, चूंकि तारीख का मताला शायद उस हद तक ना हो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कौन सा जुमला कह रहा था? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन नाना की दीन की अजमत बचाने चला है, और हरम में नाना ने खून गिराना हराम करार दिया है। मैं जानता हूं कि जब मुस्तफा की शरीयत बचाने उतरूंगा तो जालिम हुक्मरा पूरी ताकत लगाकर शरीयत पर हमला करेगा, और हुसैन हमले को रोकने के लिए, दीन को बचाने के लिए गर्दनें पेश कर देगा। खून हुसैन का गिरेगा, हरम की हुरमत तार तार हो जाएगी, इसलिए कि नाना ने हरम में खून बहना गिराना हराम करार दिया है। जाने वाले हाजी हज से अभी लौट रहे हैं, पूछो उन हाजियों से, ए हाजियों, तुमने रात की तन्हाइयों में काबे की दीवारों को पकड़कर सिसकियां ले लेकर रब की मगफरत, रब से मगफरत की भीख मांगी, तुमने अल्लाह से अपने जुर्मों की बख्शिश की सनद मांगी, तुमने रब्बे कायनात से अपने गुनाहों से निजात मांगा, जिस काबे की समत रुक करके पूरी दुनिया का ईमान वाला रब का सजदा करे, लेकिन तूने खाने काबा से लिपट लिपट कर दर्द दिल तो सुना लिया, लेकिन तेरे घायल दिलों पर काबे ने कोई उम्मीद का मरहम न रखा, लेकिन जैसे ही हाजी काबे से घायल दिल लेकर मदीने पहुंचा है, तो मदीने के ताजदार ने उस जाने वाले घायल हाजी के न सिर्फ दिलों पर मरहम रखा है, बल्कि बख्शिश की गारंटी भी ले लिया है। निजाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहरे मदीना की अजमत। लेकिन इन दिनों मुफ्ती साहब यूट्यूब कि कोक से पैदा लिए कुछ हराम खोर मौलवी, यजीदियों के टुकड़ा खोर हराम खोर मौलवी, अमीरुल मोमिनीन सज्जा देना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला की अजमत पे उंगलियां उठाते और उनको बुरा भला कहते, और यूट्यूब की कोक से निकले हुए कुछ गवैये जिनको यह भी समझ में नहीं आता कि यह सहाबा की तजहीक का शेर है या सहाबा की अजमतो रिफात का मिसरा है। और मेरे बच्चों को क्या पता कि सहाबा की अजमत और रिफात क्या है? सुन सुन, किसी मौलवी की इक्तदा और पैरवी करने का मतलब यह नहीं कि तुम निजात पा जाओ, लेकिन मेरे आका करीम का फरमान है
कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इनमें से किसी की पैरवी कर लोगे निजात पा जाओगे, राह रास पर आ जाओगे। इसी का नाम सिराते मुस्तकीम है। और जिसका नाम अमीर मुआविया है वो कातिबे वही है, वो कातिबे वही है। जिब्रील आयतें लेकर आते थे मेरे आका की बारगाह में, तिलावत फरमाते थे मुस्तफा, तिलावत करते थे, अमीरे मुआविया लिख लिया कर। जिंदाबाद। अरे तू तो बैठ जा मोबाइल वाला। हिंदी में एक पन्ना दरखास्त लिखने नहीं आता मियां के बेटे को, लेकिन बाप की कमाई का हराम का मोबाइल चमकाने खूब आता है। बलियावी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम वोट देने के लिए जिंदा रहते हो। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिया करता हूं, तुम में हम में यही फर्क है। सिलेंडर हो चुका है झारखंड का मुसलमान, सिलेंडर हो चुका है मौलाना। और भी जिनको बुलाना एक साथ बुलाओ, वरना मैं उठा चला। मैं इसके लिए जिंदा थोड़ी हूं कि तकरीर करने के लिए जिंदा रखा गया हूं। क्या कह रहा था मैं? मोहब्बत से बोल लो, अरे जोर से बोल, लगे कि हुसैनी इकट्ठा है बरसात में। रंग में बोल, तवज्जो चाहू। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे, निकाह नहीं टूटेगा। वाह हजरत वाह, आप तो थूक लो यार। हद हो गई। जिस कौम के रहनुमा चुप हो जाते हैं उस मुल्क के गुंगे बोलते हैं, लिख लीजिए। और जिस कौम के रहनुमा बोलते हैं उस मुल्क के गुंगे की बात तो छोड़ दो यार, बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे ही थोड़े जेल से निकलकर आगल पागल बताहा लंगड़ा लूला बोल रहा। लेकिन इसी इलाके में मेरा एक आलिम था जिसने जेल की परवाह ना की, शरीयत मुस्तफा के लिए डट के बोला, जो सामने हुआ निपटा। लेकिन ये भी मातम से कम थोड़ी है कि कुत्ता बिल्ली दूसरी कौम का जेल चला जाए तो उसकी पूरी कम्युनिटी सड़क पर उतर जाती है, और मेरे मुआशरे का हीरो अगर फंस जाए तो मुसलमान कहता, अच्छा बुआ बहुत नेता बन रहे थे, बेटा अगली बारी तेरी औलादों की है, लिख ले जो आज बलियावी कह रहा। तो मैं क्या कह रहा था, YouTube वाला बचा मत उस उन गवैयों को, कोई फर्क नहीं पड़ता बलियावी की सेहत पर। जब 56 इंच वाले को 32 पर लाने में टाइम नहीं लगा, मुझे पता नहीं है। मेरा तो अभियान है कि निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो, दोनों सस्ता करो। निकाह सस्ता करो कि बेटियां बोझ ना बने, और जलसा सस्ता करो कि इसे कारोबार का अड्डा ना बनाया जा सके। और इन्हीं दोनों पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो
तो 7 साल के बाद जो रिजल्ट और नतीजा आएगा वो तेरी औलादों को कोई टेढ़ा सीधा पत्थर दिखाकर नहीं डराएगा। तेरी औलादों की आंखों की चमक से बड़े बड़े वीर और रोस्तम का पित्ता पानी बन के बहने लगेगा। शर्त यह है कि तुझको अपने आप को होश में लाना होगा। बेटे को 50,000 का मोबाइल देने के लिए बाप कहीं से गरीब नहीं है। हर महीने 500 का रिचार्ज कराने के लिए बाप कहीं से गरीब नहीं है। लेकिन एक अच्छे आलिम को इमामत के लिए तनख्वाह देने के लिए अगर 500 रुपया महीना हर घर पर लगा दिया जाए तो सबसे बड़े भिकमंगे तुम हो, सबसे बड़े गरीब तुम हो, सबसे बड़े कल्लास तुम हो, सबसे बड़े निकम्मे तुम हो। जिस दिन अपनी औलादों को कंट्रोल में करके खर्चे को काबू में कर लोगे, बलियाबी को बुलाकर तकरीर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मस्जिद में जो इमामत करेगा वो मौली साहब हाफिज ही नहीं होगा, वो मुहद्दिस भी होगा, वो मुफ्ती भी होगा, वो मुदर्रिस भी होगा, वो खतीब भी होगा, वो अदीब भी होगा, वो शायर भी होगा, वो मुफक्किर भी होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर। लेकिन मेरी नस्लों की रीढ़ की हड्डी तुमने तोड़ा, तुमने कराते रहो 5 रोजा जलसा, लेते रहो मजा, तैयार रहे तेरी औलादें मजा भुगतने के लिए। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, आपको सुननी पड़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कातिबे वही, सुभान अल्लाह, निकाह टूटने का डर ना हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, कातिबे वही कलाम अल्लाह का लावे जिब्रील, तिलावत करे मुस्तफा, लिख ले सैयदना अमीरे मुआविया। सैयदना अमीरे मुआविया पे उंगलियां उठाने वालों, मां ने अगर गैरतदार दूध पिलाई होती तो शायद ये बोली ना बोलते, लाह दुनिया में कोई एक किताब दिखा दे, एक किताब जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया लिखा हुआ मिल जाए। कोई एक किताब दिखा दे, एक किताब जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया लिखा मिले, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू में लफ्ज यजीद लिखा मिलेगा उसी के बगल में पलीद लिखा मिलेगा, और अरबी में जहां जहां यजीद मिलेगा वहीं वहीं लईन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक ऐसी किताब अब तक न छपी जहां हुसैन लिखा हो और इब्ने अली न लिखा हो, जहां हुसैन लिखा हो और इब्ने अली न लिखा हो। मुल्क किसी का हो, जब जब जुमा में खुतबा इमाम देगा जहां लफ्ज़े हुसैन आएगा वहीं इब्ने अली। अब जहन को हाजिर कर लो, गोया अमीर मुआविया को यह पसंद नहीं था कि दुनिया में यजीद मेरे नाम से पहचाना जाए, इसलिए कि वो लईन भी था पलीद भी था, वो लईन भी था वो पलीद भी था। जो मैंने जगह छोड़ी है इसकी तरफ लौटूंगा, लेकिन अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए। शहर मदीना, शहर ये सुन्नियों का मजमा है ना, अरे बोलो ना, मदीने की बात आवे और ईमान वाला चुप रहे, तवज्जो चाहो। अमे यार सिर्फ मदीने का तसव्वुर होता है तो बीमार जिसमें जिंदगी लौट आती है। मेरे अल्लाह मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे,
मेरे परवरदिगार मेरी सासों को इतनी मोहलत दे दे कि कम से कम जिंदगी में एक बार तेरे महबूब का रोजा देख लो। मौला उसके बाद मरूंगा तो मरने का कोई गम ना होगा, बल्कि कब्र में जाने का जश्न मेरे घरों में मनाया जाएगा। मेरी सासों को इतनी मोहलत दे दे परवरदिगार कि तेरे महबूब का मदीना देख लो। और लफ्ज मदीना अबे ईमान वालों के सामने चुप रहे, जरूर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। शहर मदीना, बोल दो बोल दो बोल दो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, बोल दो जोर से जोर से। शहर मदीना, शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, बैठे हैं कौनैन के आका रसूले पाक। जगह मस्जिद नबवी, बैठे हैं आकाए पाक। बच्चे आए दो, एक नबी कौनैन का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम और एक रसूले पाक अलैहिस सलाम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना इमाम हुसैन, एक अपना बेटा एक बेटी का बेटा, एक अपना बेटा एक बेटी का बेटा, और दोनों दोनों तरफ से आकर लिपट गए। आकाए पाक कभी बेटे को चूमते तो कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटे को चूमते। आकाए रहमत एक दूसरे को चूम ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी चाहिए तो बेटा रखिए, मर्जी आपकी आप चाहिए तो नवासा रखिए। तवज्जो चाहो, इख्तियार आपको है, चाहे तो बेटा रख ले चाहे तो नवासा रख ले, मर्जी आपकी। रब की रहमत आपके फैसले का इंतजार कर रही है। कहां गए अकल के टुअरे, हजरत हर जगह पैदा होते, आला हजरत सदियों बाद कभी पैदा होता। इसी महवर और इसी मंजर को मेरे रजा ने खींच कर रख दिया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब आपकी मर्जी का, आपकी मर्जी का मुंतजिर है रब की रहमत। बेटा चाहिए के नवासा चाहिए, फितरत कह रही है बेटा रखा जाए। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहो, फितरत कह रही है बेटा रखा जाए, खानदान का फरोग कह रहा है बेटा रखा जाए, शहर और इलाके में शान कह रही है बेटा रखा जाए, लेकिन मुस्तफा की नबूवत कह रही है काबे की अजमत के लिए हुसैन रख लिया जाए, हुसैन रख लिया जाए। सैयदना नबी कौनैन ने सैयदना मौला हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया, सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होते गई, अलील होते गए। एक रोज सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हुसैन मुस्तफा परवरिश पाते रहे, कांधे मुस्तफा पर मदीने में घूमते रहे, बाजुए अली में हुसैन खेलते रहे, चादरे फातिमा से लिपट कर हुसैन सोते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सयाने हो गए,
हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सयाने हो गए, जगह वही मस्जिद नबवी, शहर वही मदीने पाक, खड़े हैं तन्हा हुसैन, आ गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक। फरमाते हुसैन तुझे मालूम है, तुझे पता है, रसूले करीम ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आज भी अगर किसी कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी के साथ, या किसी बड़ी मुलहक बीमारी से कोई सेहत याब होकर निकल जाए, तो लोग कहते हैं यार अल्लाह ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया, अपनी जान का एक सदका दे दे। तवज्जो चाहू, सैयदना इमाम हुसैन से जैसे ही सैयदना अबू बकर ने फरमाया हुसैन नबी कौनैन ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम बोल हुसैन आपको मालूम है रसूले पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर आपकी जान बचाया है। सैयदना हुसैन ने पाक अर्ज करते हां मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है, हुसैन की जान के लिए मेरे मामू जान की जान का सदका दिया गया, मैं जानता हूं हुसैन को बचाने के लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी गई, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना उस्मानी गनी जिन्नुरैन आ गए, कहते हुसैन रसूले पाक ने अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। ए वो कौन हंगामा कर रही उधर, भगा उसको, उसको क्या पता क्या हो रहा। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, कहते हुसैन तेरे बाबा ने तेरे नाना ने अपने शहजादे की जान की कुर्बानी दी, तब तू बचा है, तब तू बचा है। उधर से मौला अली शेरे खुदा आ गए, हुसैन को गले से लिपटाकर कहते शहजादे हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान देकर तुझको बचाया। हुजरे और पर्दे से आवाज आई रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा की, बेटे हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई है। मौला हुसैन कहते हां अम्मी मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है, बस तवज्जो रखना, मुझे पता है, बेटा देकर बचाए गए हो हुसैन, मालूम है, औलाद की जान की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई गई हुसैन, मुझे मालूम है, लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की रिफात, जब इक्तदार की तलवार से कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुस्तफा नबी की गुंबदे खजरा की चौखट चूमकर बोल पड़े नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका काबा बचाएगा, आपका इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, जिक्र शहदाए करबला, मसलके आला हजरत। अब बलिया भी अर्ज करता आलम तसव्वुर में मौला हुसैन कब तक के लिए नाना का दीन बचाए, किस सदी तक के लिए रसूल की शरीयत बचाए, किस जमाने तक के लिए कुरान की अजमत बचाए, तो जवाब मिलेगा मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले, दुनिया में इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। अब जहन को यहीं हाजिर रखना,
ذہن کو یہیں حال، کاش یہ گفتگو کہیں اور ہوئی ہوتی، کاش یہ گفتگو میں کہیں اور کیا ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج میں نے اچھی چیز وہاں کھول دی ہے جہاں ڈھکن نہیں کھولنی چاہیے، وہیں کتاب عشق کھول دیا۔ بس محبت سے بول دو یا حسین، زور سے، رنگ میں، رنگ میں، رنگ میں۔ اب بلیا بھی کہتا چاہے کفر یہودیت کی شکل میں ہو، نصرانیت کی شکل میں ہو، صلح کلیت کی شکل میں ہو، رافضیت کی شکل میں ہو، بدعقیدگیت کی شکل میں ہو، آج بھی نام حسین کی گرمی ویسے ہی ہٹ ہے کہ کل حسین کا نام لو تو کوفہ خالی ہو جائے، آج حسین کا نام لے لو تو غدار مصطفیٰ سے علاقہ خالی ہو جائے۔ آج بھی یہ گرمی باقی ہے، آج بھی یہ گرمی باقی ہے۔ ذہن کو حاضر، مولا حسین کب تک کے لیے بچایا؟ مفتی صاحب، مفتی صاحب، بس دو چند لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر میں بول رہا ہوں، ورنہ سچ یہ ہے کہ ہم کو بھی دائیں بائیں کر کے نکل لینا چاہیے، لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر بول رہا ہوں۔ مولا حسین کب تک کے لیے بچایا ہے؟ تب یہیں رک کر ایک جواب لے لو۔ یزید کو حکمراں ماننے والو، عقل کے ٹورو، کعبے کی کنجی رکھ لینے سے کوئی ایمان والوں کا امیر المومنین نہیں ہو جاتا؟ پلے نہیں پڑا نا، دقت ہے، پلے نہیں پڑا۔ کعبے کی کنجی رکھ لینے سے کوئی ایمان والوں کا امیر المومنین نہیں ہو جاتا۔ اگر ایمان والوں کا امیر المومنین ہو جاتا کعبے کی کنجی رکھنے سے، تو آج کے سعودیہ کے شاہ پوری دنیا کے رہنما ہو جاتے، لیکن سعودیہ کے ٹکڑا خور کعبے کی کمائی سے حویلی بنانے والے، حاجیوں کے ٹیکس کے پیسے سے جہاز پر گھومنے والوں، ارے تم سے کروڑوں درجہ ایمان کی گرمی تو بھارت کے سنیوں میں ہے کہ فلسطین پر بم گرتا ہے تو فلسطین زندہ باد کا نعرہ انڈیا میں لگتا ہے۔ کعبے کی، ارے حضرت لاشیں ہیں، توجہ چاہو، کعبے کی کنجی رکھ لینے سے کوئی ایمان والوں کا امیر المومنین نہیں ہوتا۔ بول دو، بول دو، بول دو، بول دو، توجہ چاہوں، توجہ چاہوں۔ مولانا مقبول صاحب، ایک بار دیکھا اجمیر شریف میں لمبی بھیڑ لگی ہے، اب چادر بیچنے والوں کو تو اعلی حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے، سیدھی بات۔ اگر بتی موم بتی بیچنے والے کو تاج الشریعہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور اعلی حضرت کی شمع شبستان رضا دیکھ کر کتاب سے تعویز بیچنے والے کو مفتی اعظم سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کلیئر بات۔ جیسے ہی اجمیر معلی پہنچا، میں تو کہتا ہوں یارو بھارت میں وہ صرف غریب نواز نہیں ہے رے، بھارت میں وہ ایمان والوں کے مشکل کشا ہیں۔ اللہ اکبر، بھارت میں وہ ایمان والوں کے مشکل کشا ہیں۔ جب جب ایمان والوں پر کوئی ظلم کا بادل مڈراتا ہے تو حساب کتاب وہیں کر دیا جاتا ہے۔ ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے حاضر رکھ۔ جیسے ہی پہنچا دیکھا وہیں بھیک منگوں کی لائن لگی ہے، لائن لگی ہے۔
चमचमाती स्कॉर्पियो से भाई हाजी रफीक साहब, भाई शोएब अंसारी साहब, मुफ्ती शफीउल्ला साहब, नदीम रजा फैजी साहब, मौलाना मकबूल साहब, ये पूरी टीम उतरी। जैसे ही चमचमाती स्कॉर्पियो से खूबसूरत लिबास में देखा, सारे भिखमंगे दौड़ पड़े। मैं खड़े खड़ा किनारे देख रहा था। एक भिखमंगे का हाथ पकड़ के मैंने पूछा कि हर आने वाले से मांगते हो, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगे हो? तो भिखमंगे ने जवाब दिया, मैं भिखमंगा जरूर हूं, भेजा लेस नहीं हूं। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता। बोल यार, बोल यार। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। बेशक। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, फोरात पे कब्जा यजीद का, लश्कर पे कब्जा यजीद का, पानी पे कब्जा यजीद का, सिक्के और सल्तनत पर कब्जा यजीद का। लेकिन उस हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, जिस हुसैन के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। वो वक्त का हुक्मरा हथेली फैलाए खड़ा है, हुसैन दे दो, दे दो। जवान बेटा मदीने लौट जाएगा, हाथ दे दो। तेरी औलादों को कोई जख्म ना लगेगा, हाथ दे दो। तेरे बच्चों पर पानी बंद ना होगा, हाथ दे दो। तेरे खेमे ना फूके जाएंगे, हाथ दे दो, दे दो। बलिया भी पूछता, आज भी उस बदजात की रूह से बता, सत्ता और हुकूमत पर तेरा कब्जा था, जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग न जली, उससे क्या मांग रहा है, उससे क्या मांग रहा? तो यजीद आज भी कहने पर मजबूर है कि लकड़ी के तख्ते पर यजीद का कब्जा है, मुस्तफा की उम्मत के दिलों पर हुसैन का कब्जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जहन को यही रोक लो। मौला हुसैन, आपने नाना के दीन की इमारत तामीर की कब तक के लिए? बोल दो, अरे जोर से बोल, कब तक के लिए? नाना के दीन की इमारत की लाइफ कब तक के लिए? मधुपुर में देखा एक 8 मंजिला बिल्डिंग। मैंने पूछा, नदीम बाबू ये किसका है? बोले ये अपार्टमेंट है, इसी में एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताए? मैं किसान भवन या होटल में न ठहर के तुम्हारे यहां रुकता। इन्होंने जवाब दिया, पैसा तो पेमेंट है लेकिन अभी चाबी नहीं दिया है। कब तक के लिए? सच यह है कि तकरीर सुनने वाले रहें तब ना समझ में आवे तो बोलना। पूरे मजमे में यूट्यूबर को ही समझ में आया, तो सबको आ गया तो बोल दो, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। मौला हुसैन कब तक के लिए? इन्होंने जवाब दिया कि इस
अपार्टमेंट में एक फ्लैट मेरा भी है, पैसा पेमेंट है, चाबी नहीं दिया। मैंने कहा जब सब फाइनल कंप्लीट है तो चाबी दिया क्यों नहीं, नंबर लाओ किसने बनाया है, देखता हूं कितना बड़ा दबंग है। नंबर दिया, फोन लगाया, मौला हुसैन नाना के दीन की इमारत कब तक के लिए। जैसे ही नंबर लगाया, घंटी हुई, फोन उठाया, मैंने कहा मैं मौलाना बलियावी बोल रहा हूं। नदीम फैजी ने फ्लैट लिया, कहा जी सर। मैंने कहा पैसा पेमेंट है, बोला फुल पेमेंट। मैंने कहा फिर कुंजी क्यों नहीं देते, उधर से जवाब दिया कि अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई। मैंने कहा तो अभी इंजीनियर को भी बुला लो, सुपरवाइजर को भी बुला लो, ओवरसियर को भी बुला लो, आर्किटेक्टर को भी बुला लो, जिसने नक्शा बनाया उसको भी बुला लो, सेफ्टी मैनेजमेंट वाले को भी बुला लो। तेरी ऑफिस में मैं आ गया, जैसे ही पहुंचा उसने एक नक्शा निकाल के रखा। नक्शे में जब रखा तो उसने दिखाया, देखिए यही वो मैदान है, यही वो मैदान है, इसी मैदान में पानी यहां पर है। काश गुफ्तगु सुनने वाले होते। बोल यार, बोल यार, बोल। पानी यहां पर है, पार्किंग यहां पर है, रिहाइश इधर है, स्विमिंग पूल इधर है, सामूहिक लाइब्रेरी उधर है। इसके बाद जो ऊपर के फ्लैट बने हैं, इसमें इतना नंबर इनका है, इतना नंबर इनका है, इतना नंबर इनका है, और ये वाला नदीम साहब का है। मैंने कहा चाबी दो, बोला अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई। सब आ गए, नक्शा टेबल पर रख दिया, समझाया। उसने कहा सब कुछ इसी बिल्डिंग में है। क्या कहा? सब कुछ इसी बिल्डिंग में। मैंने कहा तो फिर एक बात बता दे कि इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? मौला हुसैन आपने जिस दीन की इमारत बनाई उसकी उम्र कितनी है? कब तक? इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है इंजीनियर? बोल पड़ा कि जितनी ऊंची इमारत है उसी एतबार से नीचे पाइलिंग भी किया। जहां 40 mm का रड चाहिए वहां 40 mm का रड दिया, जहां 30 mm का छड़ चाहिए वहां 30 mm का छड़ दिया। जितने पर बीम बधना था उतने पर बीम बांधा, जितने पर बेस बधना था उतने पर बेस बांधा, जितनी सीमेंट देनी थी उतनी सीमेंट दिया, जितना बालू देना था उतना बालू दिया, जितनी गिट्टी देनी थी उतनी गिट्टी दी। मैंने कहा फिर इसकी उम्र बता। मेटेरियल की क्वालिटी के एतबार से, लोहे की मजबूती और जमीन की मजबूती के एतबार से इस बिल्डिंग की उम्र 100 साल। इसके बाद का कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि 100 साल के अंदर अंदर लोहे को मिट्टी होने से कोई बचा नहीं सकता, मिट्टी को मिट्टी, सीमेंट को मिट्टी होने से कोई रोक नहीं सकता, पत्थर की गिट्टी को खाक में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा इस बीच में अगर जलजला आ जाए तो, जलजला आ जाए तो इंजीनियर जवाब देता। बिल्डिंग के तामीर के मटेरियल की क्वालिटी के एतबार से अगर 5 point का जलजला आएगा तो बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी, 5+ होगा बिल्डिंग झूमने लगेगी, 6 हो जाएगा बिल्डिंग तैरने लगेगी, इसलिए कि मटेरियल की लाइफ 100 साल। अब बलियाबी आलम में तसव्वुर में अर्ज करता, मौला हुसैन आपने जो नाना की इमारत की इमारत, दीन की इमारत जो बनाई है,
इस इमारत की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा कयामत तक इस इमारत को कुछ होना नहीं है। इसलिए कि मैंने नाना के दीन की इमारत में बाजार का कोई माल नहीं डाला है, नबी के घराने का सारा माल डाल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बाहर का कुछ नहीं डाला है, बाहर का मैंने कुछ नहीं डाला है, सब नबी के घराने का पड़ा है, सब रसूल के घराने का पड़ा है। मेरे अजीज, मेरे इमाम मोहम्मद रजा से बड़ा आशिक अहले बैत कौन है धरती पे? लाह लाह। लेकिन मैं अपनी कौम के जवानों से हाथ जोड़ के कहूंगा, जो करबला में ना हुआ है वो अपने गांव की सड़कों पर मत करो, जो करबला में नहीं हुआ अपने मोहल्ले में मत करो। अरे मनाओ याद हुसैन, ठोक के मनाओ, पूरी ताकत से मनाओ, और इतनी ताकत और अकीदत से मनाओ कि जिस रास्ते से तेरा काफिला गुजर जाए, गुजरने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं, और कुफर को कहना पड़े कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा रहा होगा, जब गुलाम इतना साबिर है तो इमाम कितना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहदाए करबला। यही 10 दिन का तो मौका मिलता है जहां तुम अपनी औलादों को फन्ने हिरफत का हर फन सिखा सकते हो। लेकिन जो जिस कौम के नौजवान लोहे की चूड़ियों का बोझ उठाने के आदि हों, उस कौम की औलादें कभी इस्लाम के लिए तलवार नहीं उठा सकती। और जिन कौम के बच्चों में, जिस कौम के बच्चों में नबी की सुन्नतें बचाने का जज्बा हो, उस कौम की औलादों को कोई काफिर आंख नहीं दिखा सकता। लोगों की तलवार की चमक से गर्दनें कट जाएं ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन नबी के आशिकों की चमक से कुफर हर दौर में कटा है, आगे भी कटेगा। शर्त यह है कि अपने आप को तैयार करो। आखिरी बात अर्ज करूंगा, आखिरी बात, झारखंड में उर्दू पटक के जबा कर दी गई, मदरसे को जमीन खोद के गाड़ दिया गया, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया गया, तुम सिर्फ पत्थर तोड़ोगे, इससे बेशी कुछ नहीं करोगे। लीडर पैदा करो, लीडर, लीडर पैदा करो, लीडर पैदा करो। अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, मदरसों की तामीर की का मसला नहीं है, बल्कि बनी हुई मस्जिदों के बचाने का मसला है, बने हुए मदरसों को चलाने का मसला है। और ये काम जिस कौम की औलादों के हाथ में पावर वाला कलम होगा, उस कौम की औलादें कभी डरपोक और बुजदिल नहीं होगी। और जब तक तुम्हारी औलादें जाहिल रहेंगी, तब तक बिगड़ी हुई शक्लों का पत्थर दिखाकर तेरी औलादों को डराया जाएगा। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी का बिगुल फूंक दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत है तो मधुपुर में निकाह हमले ले जाओ, डीजे बजा के दिखाओ, मधुपुर के बच्चे समझा देंगे कि कितने बड़े सेठिया हो, औकात बता देंगे। अरे सैयदा फातिमा की कनीजे कभी जमीन पर बोझ नहीं थी रे, सैयदा फातिमा की कनीजों को बोझ
आपने बनाया, आपने आपने बेटे को 5 लाख रुपया और 1 बुलेट कीमत लगाकर मेरी कौम की बेटियों को बोझ बना दिया आपने, और इस दीवार को तोड़ने की पूरी ताकत लग चुकी है। दिसंबर में इंशाल्लाह हजरत आज से काम शुरू। जितने उलमाए कराम हैं हजरत, जो साथ ना दे लिस्ट उसकी भी बनाते चलिएगा। देखूंगा वो स्टेज पर आकर इसे नात सुना के मेरी कौम से पैसा ले लेता है और नजराना तय करके लिफाफ ले लेता है। जो मेरी कौम की औलादों के मुस्तकबिल की जंग में मेरा शरीक नहीं होगा उससे हमारी रिश्तेदारी कैसी जी? प्यास आज लगी है, पानी मरने के बाद दोगे? हुलकूम आज खुश्क हैं, बाद मरने के तुम कुआं खुदवा दो? इसलिए लड़ाई तो छिड़ चुकी है। बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चारों तरफ से हाथ उठा के हां ना में बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो जितने नौजवान चाहे जिस किसी गांव से आए हो, शोएब बाबू हैं कि नहीं, आ जा, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन बोलने में जबान तो नहीं घिस रही है? अल्लाह ताला तमाम सुन्नियों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता करे। याद रखना, आ जा इधर, आ जा बाबू, आ जा मेरे बगल में आ जा। बलियावी की जिंदगी का एक ही मिशन है, अच्छा आलिम पैदा करो, अच्छा लीडर पैदा करो। ये दो पहिए हैं, दो। आलिम अच्छा रहेगा तो मेरी कौम के बच्चे आवारा नहीं होंगे, और लीडर मेरी कौम का मुखलिस होगा तो मेरे बच्चों का कोई हक लूट के भागेगा नहीं। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? मैं जानता हूं आपका दिल थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। आसमान ने अपना काम किया, नबी के आशिक ने अपना काम किया। और ये भी बलियावी खूब जानता है कि 72,000 की फौज लेकर जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। तो फिर से एक बार क्लियर बोलो, पाला जोड़ी में आवाज दिया जाएगा, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो अपने पैसा और अपनी गाड़ी लेकर सब पार्टियों की रैली में तो चले जाते हो, रांची भी, पटना भी, दुमका भी, देवघर भी, जामताड़ा भी। जो दिसंबर में पाला जोड़ी में होने जा रहा है वो नबी के आशिकों की रैली नहीं होगी, सत्ता के छाती पर चढ़कर मुस्तफा के आशिकों का रैला होगा। हर गांव से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लगा दो चारों तरफ से हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टियों में पिला के रखो। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, आज की महफिल का एक ही मकसद है, जिक्र करबला वालों का हो, मगफिरत का जरिया बने शोएब बाबू की वालदा महरूम मोहतरमा के लिए, मरहुमा के लिए। बस एक ही मकसद है, लेकिन इस बारिश और बूंद की परवाह किए बगैर ये जो काफिले इश्क आया है, अगर हुकूमत तिजोरी खोल के कहती कि ले 500,000 टका दे रहा हूं, तो एक मामूली इंसान भी कहता रख अपना पैसा, इस तूफान में घर से ना निकलूंगा।
लेकिन जमीन के सीने पर अपना वजूद गाड़ के बता दिया। जब जिक्र उनका होता है तो हम जमीन नहीं देखते हैं, हमारी रूह का परिंदा गुंबदे खजरा का तवाफ करते रहता है। इसलिए हिम्मतें छोटी नहीं। शोएब मुखिया की वालदा के ईसाले सवाब के लिए महफिल है, बस आखिरी बात आखिरी हिस्सा। हजरत अजीब अकल के टुवरों की बुद्धि है भाई, हिंदुस्तान में अगर सवाब नहीं पहुंचता, हजरत हिंदुस्तान में मुर्दों को अगर सवाब नहीं पहुंचता तो भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। ये समझ में नहीं आएगा। पैजामा जिनका बेसाइज का है वो भी मस्जिद जब बनाते तो कहते हैं ईंट दे दो सवाब खानदान को मिलेगा। सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल ना, जोर से बोलो ना। छड़ सीमेंट बालू दे दो सवाब मरहूम को मिलेगा। समझाए कोई इन जकात खोरों को? यानी मुशरिक के भट्ठे की बनी हुई ईंट दे दो तो सवाब उनके मरहूम को मिल जाए, और हम 30 पारा कुरान पढ़ करके बख्श दे तो कहे हराम हो गया। यही ना, इसलिए इस झगड़े में मत पड़ो। क्लियर यही है कि मरहूमीन के लिए तुम जब जब जहां से जो भी उनके सवाब की नियत करके काम करोगे, नियत तुम्हारी सवाब की होगी तो कोई बख्शने वाला हो के ना हो, सवाब खुद ब खुद वहां गिरते चला जाता है। अल्लाह तबारक व ताला मरहूमा की मगफरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। रब कायनात मेरी जिंदगी को तूने सांसें दी है तो उन सांसों में हुसैन का इश्क दे दे, और सीने में दिल दिया है तो मुस्तफा की मोहब्बत में धड़कने वाला लहू दे दे, और मौला आंखें दी है तो मरने से पहले अपने हबीब के रोजे की जियारत की मोहलत दे दे। कोई रहे न रहे मुस्तफा का दीन रहेगा, इसलिए कि और इमारतों की उम्र गिट्टी मिट्टी बालू सीमेंट पर टिकी है, मुस्तफा के दीन की इमारत अली के बेटों के लहू पर टिका है। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।